बकरे ईद पर कुर्बानी के नाम पर प्रतिबंधित पशुओं को काटने को लेकर शुक्रवार को गौ रक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर हंगामा, प्रदर्शन व नारेबाजी की। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए इन पर अंकुश लगवाए जाने की मांग उठाई। शुक्रवार को गोरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी बकरा ईद पर कुर्बानी के नाम पर प्रतिबंधित पशुओं को काटने की तैयारी की जा रही है। इससे गाँव का माहौल खराब हो जाता है और किसी अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है। आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के लोगों द्वारा बकरा ईद पर कुर्बानी के नाम पर प्रतिबंधित पशुओं को काटकर उनके अवशेष खुले में डाल दिए जाते हैं, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। गांव एवं शहर का माहौल खराब होता है। गांव व शहर में बच्चों के मन एवं भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस बार इन पर अंकुश नहीं लगा तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रमोद राणा, मुझे बताइएगा, आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? आज हम जो ज्ञापन दे रहे हैं, आगामी जो मुस्लिम त्यौहार है बकरा ईद 10 तारीख को है, उसके संबंध में हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि किसी भी तरीके से किसी भी गौवंश की कुर्बानी ना हो, उसकी बलि ना दी जाए। जो भी पशु कुर्बानी के लिए हैं उनको एक स्थान पर, जहां पर जो प्रतिबंधित स्थान ना हो, और उस स्थान पर उसकी कुर्बानी दी जाए। खुले में किसी की कुर्बानी नहीं दी जाए। जो भी पशुओं का अवशेष बचे उसको कूड़े के ढेरों पर या स्कूल या मंदिरों के आसपास न डाला जाए, जिससे कि वातावरण में प्रदूषण हो। ये हमने DM साहब से मांग की है।